यस आगे सर, बढ़े, है ना। यस सर। तो बताओ अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं तो क्या, अगर हम स्टार्टिंग से जैसे बात करें, तो अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हमारा इनवर्स फंक्शन निकाला है, इसका डोमेन क्या है? -1 से 1, इसका रेंज क्या है? -π/2 माइनस से पाई पाई बाय बाय टू से पाई बाय पाई बाय टू और इसका, हाँ, और इसका वापिस कोडोमेन कितना है? माइनस वन से 5/2 वन। नहीं, कोडोमेन, अच्छा कोडोमेन, कोडोमेन ना, हाँ कोडोमेन रेंज कोडोमेन। होता है, कोडोमेन रेंज वाला होता है। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। यस सर। हाँ देखो सुनो, अगर हम बात करें, हेलो, अगर मैं बात बोलूं कि हमने इतनी चीज देखी, बोला सर आपने वही स्लॉट क्यों काटा, आपने यही स्लॉट क्यों काटा, है ना, आपने यही स्लॉट क्यों काटा। अगर हम काट ये स्लॉट काट सकते थे, ये स्लॉट भी काट सकते थे,
देखो कॉस इनवर्स ग्राफ हमेशा अपसाइड होता है, देखो ध्यान से, कभी नीचे नहीं आ रहा है ना, कॉस इनवर्स एक्स कभी नीचे नहीं आ रहा, तो कॉस कभी नेगेटिव तो देगा नहीं, बट कॉस नेगेटिव लेगा, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, बट कॉस इनवर्स एक्स हमें नेगेटिव देगा। डोमेन माइनस कौन से वन? डोमेन होगा माइनस वन से वन और रेंज जीरो से पाई, जीरो से पाई। बिल्कुल सही, ये अच्छा लग रहा है, आंसर दे रहा है, ऐसे करो। tan theta y equals to tan inverse x, ठीक है, tan inverse x, अगर मैं पहले tan theta ग्राफ बना लूं, पर tan theta ग्राफ कैसे होता है, ऐसा आया ना, यस यस, एक मिनट क्या आया, माइनस पाई बाय टू
अच्छा काम करता है कि तीन देखते वक्त गलती कर देंगे, व्हाट्स एप पॉसिबल।